दोस्तों 2020 में वन प्लस ने पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था जब वन प्लस ने अपने वन प्लस नॉट को इंडिया के अंदर 25,000 रुपीज़ के स्टार्टिंग प्राइस पे 5G के कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया था। और ये इंडिया का पहला बजट 5G स्मार्टफोन था जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल रहा था। और अब फाइनली 2021 में वापस से वन प्लस पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री को शॉक करने वाला है वन प्लस नॉट 2 के साथ। दोस्तों वन प्लस नॉट 2 के बारे में 91small.com ने काफ़ी सारे स्पेक्स जो है वो रिवील कर दिया है, जहां से यह कंफर्म होता है कि जो वन प्लस नॉट के यूजर्स को थोड़े मोरे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वो आपको वन प्लस नॉट 2 के साथ देखने को नहीं मिलेगा। पहला, कैमरा में आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस देखने को मिलने वाली है जो कि वन प्लस के 9 सीरीज के जैसा ही होगा, क्योंकि यहां पर आपको सिमिलर 50 मेगापिक्सल्स के कैमरे का यूज़ किया जाएगा जो कि वन प्लस 9 सीरीज़ में हमें देखने को मिला था। सेकेंड, यहाँ पर आपको पहले से भी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले इसी स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज ऑलवेज, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वन प्लस नॉट 2 का इंतजार क्यों है। आप लोगों में से जिसका सबसे बेहतरीन कमेंट होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा, तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का पावरफुल एसओसी आपको वन प्लस नॉट 2 के अंदर देखने को मिलने वाला है जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और अगर हम कंपेयर करें इस चिपसेट को क्वालकॉम के किसी चिपसेट के साथ, तो ये बहुत इजीली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के चिपसेट को कम्पीट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और जैसा कि ये मिड रेंज बजट सेगमेंट में आने वाला 5G स्मार्टफोन होने वाला है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। साथ ही में अगर हम बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो आपको इस डिवाइस के अंदर पहले से बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 4500mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है और फास्ट चार्जिंग में आपको अभी के लीक्स के अकॉर्डिंग 30W के वार्प चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरा और डिजाइन के बारे में। तो 91small.com के लीक्स के अकॉर्डिंग आपको वन प्लस नॉट 2 के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। तो डिज़ाइन को लेकर वन प्लस की तरफ से हमें हमेशा से ही कुछ नया देखने को मिलता है, तो उसको लेकर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा पे इस बार वन प्लस नॉट 2 में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इस डिवाइस के अंदर आपको इस बार 50 megapixels के ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कैमरा सिमिलर होने वाला है जो कि वन प्लस के 9 सीरीज में यूज़ किया गया था, ऐसा 91small.com के लीक्स के अकॉर्डिंग पता चला है। तो यहाँ पर आपको कैमरा को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। जितनी सारी शिकायतें थी वन प्लस नॉट से कि कैमरा की क्वालिटी बेहतरीन नहीं है, तो वो सारी आपको शिकायत वन प्लस नॉट 2 से देखने को नहीं मिलेगी। तो कैमरा को लेकर आपको वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। बट आई डोंट नो कि आपको हैसलब्लेड का जो ब्रांडिंग है वो कैमरा में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें एडिशनल कैमरे की, तो आपको 8 megapixels का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 megapixels का एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आपको 6.43 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि वन प्लस नॉट के अंदर भी हमें देखने को मिला था। और रिफ्रेश रेट में यहां पर आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको वन प्लस नॉट 2 के अंदर 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि आपको वन प्लस नॉट के जैसा ही 90Hz देखने को मिल रहा है या फिर 120Hz के साथ वन प्लस नॉट 2 एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग 90Hz या फिर 120Hz आपको क्या ज़्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फी कैमरे की, तो आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिलने वाला है जिसमें कि सेल्फी के लिए 32 megapixels के सेल्फी शूटर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साइड में आपको अलर्ट बटन का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और शायद से आपको इस बार फिर से 3.5mm ऑडियो जैक मिसिंग देखने को मिलेगा। और अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू 91small.com चाइना के अंदर इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो 2001 होने वाली है जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 22,300 रुपीस के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। बट अगर हम बात करें इंडियन रुपीस में, तो इसकी प्राइसिंग आपको 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स को अपग्रेड किया गया है। तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिल सकती है। और अब फाइनली अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस की लॉन्च डेट की,
तो इस डिवाइस को जुलाई के महीने में इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने इस छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।